कैंसर से पीड़ित एक यूकेजी के एक छात्र को एक दिन के लिए वाराणसी जोन का एडीजी बनने का मौका मिला। उसे बच्चों को यह उपलब्धि जून के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोडिया ने प्रदान किया। बता दें कि 7 साल के प्रभात कुमार रंजन को कैंसर है और वह लास्ट स्टेज पर है। उसकी इच्छा के लिए उसे एक दिन के लिए एडीजी जून की कुर्सी पर बिठाया गया, जहाँ पुलिस कर्मियों ने उन्हें सलामी दी। मध्य प्रदेश में मॉनसून ने कुल 49 जिले कर लिए हैं। मध्य प्रदेश के 49 जिलों में मॉनसून ने दस्तक दी है। इन 49 जिलों के लोगों को भी अब बारिश से राहत मिलेगी। इस बीच मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में 3 दिन तक हवा आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ओम बिरला ध्वनिमत ने से लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष चुने जाने के बाद परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उन्हें चेयर तक पहुंचा और चेयर संभालने के बाद पीएम मोदी और राहुल गांधी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की खूबसूरत तस्वीर सामने आया है, जिसमें दोनों एक साथ एक जगह खड़े हैं। यह लोकतंत्र की बहुत खूबसूरत तस्वीर के रूप में मानी जा रही है। राज्य सरकार ने जेपीएससी और जेपीएससी समिति अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जेपीएससी और जेपीएसएससी की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्ष से बढ़कर 5 वर्ष छूट करने का फैसला किया है। आयोग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। गुड़ विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत इटार पहाड़ के करियाझर गांव के ग्रामीण वासी अपने ही देश में कई वर्षों से पराये की तरह रह रहे हैं। बता दें कि इस गांव के ग्रामीण सालों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां न बिजली की सुविधा है, न ही सड़क की सुविधा है और न ही ग्रामीणों को पानी सही से मिल पाता है। लोकसभा के स्पीकर पद के लिए ओम बिरला को चुना गया है। बता दें कि ओम बिरला एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बने थे और उन्हें लोकसभा का स्पीकर बना दिया गया है। ओम बिरला राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से तीसरी बार के सांसद हैं। अगर ओम बिरला लोकसभा स्पीकर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है, क्योंकि देश के इतिहास में अब तक कोई भी सांसद लगातार 2 कार्यकाल में स्पीकर नहीं रहा है, लेकिन ओम बिरला का नाम एनडीए ने फिर से आगे किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। प्रोटेम स्पीकर भूर्तहरि बहताब को कांग्रेस की ओर से पत्र लिखकर इसकी सूचना दी गई है। राहुल गांधी के अब कैबिनेट रैंक का दर्ज मिलेगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए के पहले 15 दिन भीषण ट्रेन दुर्घटना, कश्मीर में आतंकवादी हमले, ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट पीजी निरस्त, यूजीसी नीट को पेपर लीक, दूध दाल गैस स्टोल और महंगे, आग से धधकते जंगल, जल संकट, हीट वेव में इंतजाम न होने से मौतें। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसने उसे 3 तलाक दे दिया है। इसकी वजह से उसने भाजपा का समर्थन कराया है। बताया कि जब व्यक्ति को पता चला कि उसकी पत्नी बीजेपी का समर्थन करती है और उसने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया है, तो वह इस बात से आग बबूला हो गया और उसकी नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उसने अपने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। कत्ल के आरोप में जेल बंद मुख्य आरोपी कनाडा एक्टर कन्नड़ एक्टर दर्शन युगुदीपा से मिलने उनकी पत्नी और बेटा पहुंचे थे। आपको बता दें कि दर्शन का फैन रेणुका स्वामी उनकी गर्लफ्रेंड और को स्टार पवित्रा गौड़ा को अश्लील मैसेज भेज रहा था। जब इनकी भनक दर्शन को हुई तो उन्होंने साथियों के साथ मिलकर रेणुका स्वामी को टॉर्चर किया, जिससे उनकी मौत हो गई। पूरे भारत में पंजाब को खाद्यान्न कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहां सबसे बड़े पैमाने पर कृषि होती है, लेकिन इस बार यह आंकड़े बदल गए हैं। बता दें कि इस बार केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों से यह पता चला है कि मध्य प्रदेश ने अनाज उत्पादन में पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, पंजाब इस बार तेलंगाना से भी पीछे गया है। AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान जय भीम के साथ जय फिलिस्तीन के नारे भी लगाए। इसको लेकर सभी विपक्षी हमलावर हो चुके हैं और खूब बवाल मचा रहे हैं। ओवैसी ने आखिर में तकबीर अल्लाह अकबर का नारा भी लगाया था। उनके जैसे फिलिस्तीन नारे को संसद की कार्रवाई से तो निकाल दिया, लेकिन मामला अब संगीन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयुष्मान कार्ड के जरिए लोगों को 5 लाख तक की निशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की है, लेकिन कई ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में झारखंड सरकार ने उन परिवार जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनका भी 15 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज सरकारी एवं निजी अस्पतालों में करने का आदेश दिया है।
आपने यह भी देखा होगा कि कई बार पुलिस गाड़ी से गाड़ी की चाबी निकालकर गाड़ी साइड में लगाने के लिए बोलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुलिस का ऐसा करना सही है या गलत? बता दें कि सेकंड के दौरान अगर ट्रैफिक पुलिस गाड़ी से चाबी निकालते हैं तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्हें यह अधिकार नहीं दिया गया है। भारतीय टीम का गुरुवार को इंग्लैंड से सामना होगा। सेमीफाइनल का दूसरा मैच गयाना के प्रोविंडेस स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें T20 विश्व कप 2024 में पहली बार सामने आएगी। भारत अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी।